Assalamualaikum everyone, welcome back my channel, my parrot wife and me. Hello birds lover, आप सबका welcome करती हूँ मेरे YouTube channel पर. आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि बेबी पैरट को बोलना कैसे सिखाते हैं. तो इस वीडियो में मैं आपको बेबी पैरट को बोलना सिखाने की कुछ टिप्स बताऊंगी, जिससे आप भी अपने पैरट को इजीली बोलना सिखा सकते हो. इसीलिए ये वीडियो शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा. टिप्स नंबर वन, आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको अपने पैरट को हैंड टेम करना है. टॉकिंग से पहले आपको अपने बेबी पैरट को हैंड टेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो हैंड टेम रहेगा तो आपके पास वो इजीली टॉकिंग सीख सकता है. अगर आपका पैरट आपके हाथ पर नहीं बैठेगा तो आपसे आई कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएगा, फिर आप जो बोलेंगे वो बहुत देर में सुनेगा या फिर सुन नहीं पाएगा, वो एक अच्छा टॉकिंग पैरट नहीं बन पाएगा. तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपने पैरट को हैंड टेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. टिप्स नंबर टू, पैरट एज. पैरट की एज बहुत मैटर करती है पैरट को टॉकिंग सिखाने के लिए. अगर आप कहीं से 4-5 साल का पैरट लेकर आए हैं या फिर आप एडल्ट पैरट लेकर आए हो जिसकी रिंग कंठी पूरी निकल कर आई है, बन गई है, तो ऐसे पैरट पे मेहनत करने पूरी ज़ाया हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि एडल्ट पैरट टॉकिंग नहीं सीख पाते हैं. चाहे आप उस पे दिन रात मेहनत कर ले, वो टॉकिंग करना नहीं सीखेगा. कुछ लोग हैं ऐसे यूट्यूब पर जो बोलते हैं कि ऐसे पैरट भी टॉकिंग करना सीख जाते हैं, बट वो आपको कुछ भी गलत बता देते हैं. बिल्कुल भी नहीं, एडल्ट पैरट टॉकिंग कभी भी नहीं सीखेगा, उसको एक्सपर्ट से एक्सपर्ट भी टॉकिंग नहीं सिखा सकता है. अगर आपको अपने पास एक बढ़िया टॉकिंग पैरट चाहिए तो आपको एक बेबी पैरट ही लेकर आना पड़ेगा, जिसे आप बचपन से टॉकिंग सिखा सकते हो. और जब वो बेबी पैरट होते हैं तो वो इजीली टॉकिंग सीख भी लेते हैं. मगर मतलब कि आप अगर 1 से 1.5 महीने के बेबी पैरट को अगर टॉकिंग सिखाना स्टार्ट करते हो तो वो 6 से 7 महीने का होते होते आपके वर्ड्स पिकअप करना स्टार्ट करेगा, वो टॉकिंग करना स्टार्ट करेगा. टिप्स नंबर थ्री, अगर आप अपने पैरट को टॉकिंग पैरट बनाना चाहते हो तो आप उसे टाइम दे. ये नहीं कि आप पूरे दिन अपने पैरट के साथ लगे, मतलब कि आपको एटलीस्ट आपको पैरट को दिन में 2 टाइम आप उसके केज से बाहर निकालना है और उसको बोलने की ट्रेनिंग देनी है, टॉकिंग की ट्रेनिंग देनी है. जैसे कि सुबह के शांत माहौल में और शाम के माहौल में, ये टाइम थोड़ा शांत होता है, उनको खुली जगह पे लेकर जाइए, जैसे कि बालकनी में, छत पे, और उसको शांत माहौल में ट्रेनिंग दे. शांत माहौल में इसलिए, आजू बाजू की आवाज़ इसलिए नहीं आना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आपकी आवाज़ सुने, डिस्टर्ब ना हो दूसरी आवाज़ें सुन के. या फिर आपको बाहर ले जाके पॉसिबल नहीं है तो आप उसको घर में भी सिखा सकते हो, बट बाहर इसलिए कि खुले आसमान में, फ्रेश एयर में पैरट को भी अच्छा फील होगा इसलिए. बट अगर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो आप घर में भी उनको टॉकिंग करना सिखा सकते हो. और जब आप अपने पैरट को 15 से 20 मिनट आपको देना है सुबह, 15 से 20 मिनट आपको देना है शाम, ये टाइम आपको देना ही देना है हर हाल में. अपने पैरट को ट्रेनिंग टॉकिंग की दे रहे होते हो और उस वक्त आपको लगता है कि आपका पैरट आपकी बातों पे रिस्पॉन्स कर रहा है, उस टाइम आपको अपने पैरट को उसकी फेवरेट चीज़ ट्रीट में देनी है, खुशी से देनी है, ताकि ट्रीट पाकर पैरट भी खुश हो और ज़्यादा बोलने की ट्राई करे. तो ट्रीट में आपको देना क्या है, ट्रीट में आपको देना उसकी फेवरेट चीज़ है, जैसे कि कुछ नट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, जो भी आपके पैरट की फेवरेट चीज़ होंगी वो आपको ट्रीट में देनी है. और जब आप उनको टॉकिंग सिखाते हो तो आपको रेगुलर डेली बेसिस पे एक ही वर्ड पिकअप करके बोलना है, जो आपने उसका नाम रखा होगा, मिट्ठू रखा होगा, टुट्टू रखा होगा, जो भी रखा होगा, तो आपको वही बोलना है, मिट्ठू मिट्ठू, ठीक है. उसके बाद जब भी आप उसको खाना देने जाओ, कुछ खाना या कुछ भी देने जाओ, उसके पास बैठो, उसके पास से गुजरो, तो आपको उसको आवाज़ देना है, मिट्टू रोटी खाएगा, मिट्टू क्या कर रहा है, इस तरह जो भी आपने उसका नाम रखा होगा वो. मिट्टू मैं एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, ठीक है.
इस तरह टिप्स फॉलो करने से आपका पैरट जरूर एक बेस्ट टॉकिंग पैरट बनेगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। सो जज़ाकअल्लाह एवरीवन।